दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक कांस्टेबल ने चार लोगों को कथित तौर पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया उसे पागल बता रहा था, मेंटल बता रहा था, लेकिन अब उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खुलासे को लेकर, जब से ये खुलासा हुआ है तब से सोशल मीडिया पे इसको लेकर आलोचना हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था एक कांस्टेबल ने जो कि वर्दीधारी था। अब उसको लेकर खबर क्या आई है ये आपके स्क्रीन पे। द लल्लन पोस्ट ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा है ये जरा गौर से सुनिएगा। द लल्लन टॉप ने छापा है, आरपीएफ कांस्टेबल ने 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जांच में पता चला है कि उसने बुर्का पहने एक महिला को बंदूक के नोक पर जय माता दी कहने को मजबूर किया था। ये जरा ये जो खबर है इसे आप गौर से समझिएगा कि किस तरीके से चार मुसलमानों को जो अलग अलग बोगी में बैठे हुए थे उन लोगों को अलग अलग तरीके से ये जाकर गोली चलाकर मारता है और खुद अपने एक सीनियर को भी मारता है जो कि वर्दीधारी था, एक कांस्टेबल था। लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई कि इसने चार लोगों को मारा है तो उसके बाद मीडिया ये खबर चलाने लगा और बीजेपी का आईटी सेल ये खबर चलाने लगा कि वो मेंटल है। उसके बाद मेंटल का भी एक रिपोर्ट आया कि ये कोई मेंटल वेंटल नहीं है। लेकिन उसके बाद अब ये खबर आई है सामने कि जब जांच में ये पता चला है, जांच जब हुआ तो जांच में ये पता चला कि इसने एक महिला जो कि बुरखा पहन करती यानी कि मुसलमान थी वो महिला, अब उसने बंदूक के नोक पर उसे जय माता दी बुलवाया। यही शख्स जिसने चार लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी और उसके बाद इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि देश में मोदी है और योगी है, उसी को वोट देना होगा, बहुत सारी बातें ये करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये खबर आई है कि जब जांच चल रहा है इसको लेकर, जो जांच चल रहा है तो जांच में ही ये खबर सामने आई है कि इसने बुरखा पहनी एक महिला को भी बंदूक के नोक पर, ये याद रखिएगा, बंदूक के नोक पर इसने जय माता दी बुलवाने का भी काम किया है। जिसे मेंटल बता रहे थे, जिसे पागल बता रहे थे, वो कितना बड़ा पागल है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस खबर के हवाले से। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जो खबर मैंने आपको बताई है इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।